नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, लाडली बहना योजना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद होगा लाडली बहना योजना में अब जो है 1250 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं सभी पात्र लाडली बहनाओं को। तो दोस्तों, इसमें आपको कई सारी दिक्कतें भी आ रही होंगी, कई सारे दोस्त या लाडली बहनाओं को लग रहा होगा कि हमारी किस्तें बंद क्यों हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारी कंडीशंस हैं दोस्तों, क्योंकि कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी के अनुसार गणना होती है। तो 1 जनवरी के गणना के अनुसार 21 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए और 60 वर्ष से कम आयु। यदि 1 जनवरी की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक उम्र हो गई है कुछ महिलाओं की, तो उनका जो है पैसा आना बंद हो जाएगा। ठीक है, वो अपात्र हो जाएंगी, इस कारण से कई महिलाओं के पैसे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 60 वर्ष से कम आयु होना चाहिए 1 जनवरी की स्थिति में। ऐसे ही और भी कारण हैं, तो और भी कारण क्या क्या हैं, तो वो सब कारण हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। हमें पूरा पता चलेगा कि किस कारण से हमारे जो है पैसे रुक रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बाकी लोगों के आ रहे हैं लेकिन हमारे क्यों नहीं आ रहे, तो सब चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, 1250 रुपये प्रति माह के हिसाब से अब राशि आने वाली है, 10 तारीख आने ही वाली है। तो आप सभी को बधाई, और पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पोर्टल तो पता ही है, cmlaadlibehna.mp.gov.in। ठीक है, इस की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से क्लिक कर आप सीधे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पोर्टल पर आ सकते हैं। तो आप बाकी के वीडियोज भी मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं सारे वीडियोज। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हम आज करने जा रहे हैं उस पर सीधे हम फोकस करेंगे कि क्या कारण है, क्या कारण हो सकते हैं, तो वो पूरे ध्यान से देखेंगे। तो नीचे आइए आप स्क्रॉल कर, जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप आवेदन प्रक्रिया है, इसका पात्रता। तो ये तो पहली पात्रता तो आपको सभी के साथ है, मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हो, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ने ही ऑनलाइन फॉर्म भरा, फिर विवाहित हो, उसके बाद जिनमें विधवा हो या तलाकशुदा हो या परित्यक्ता महिला हो, ये सब सम्मिलित होंगी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। अब हो क्या रहा है दोस्तों, कि अब जो 1 जनवरी निकला है, 1 जनवरी 2024 की स्थिति में कुछ महिलाएं जो है 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं। ठीक है, तो इसलिए वो अपात्र हो गई हैं और उनको जो है 1250 रुपये की राशि लाडली बहना योजना की नहीं जा पा रही है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। तो कुछ महिलाएं पिछले साल तो 60 वर्ष से कम थी, लेकिन जैसे ही 1 जनवरी आया और उसमें 60 वर्ष की आयु से ज़्यादा हो चुकी हैं, तो वो अब इस योजना के लिए अपात्र हो चुकी है और उनके खाते में अब जो है राशि नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे आप समझ लीजिए। और हम अपात्रता कारण क्या देख सकते हैं, जिनके स्वयं या परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक हो। यदि हो सकता है कि इस वर्ष यदि स्वयं या परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक हो गई हो तो वो अपात्र हो रहे होंगे। यदि 2.5 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये से यदि अधिक हो रही है स्वयं या परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय, तो वो अपात्र हो जाएंगे। जिनके स्वयं या परिवार कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, मान लीजिए किसी के यहाँ जॉब लग गई है और यदि वो इनकम टैक्स दे रहे हैं, आयकर दाता है, तो वो इस योजना से बाहर हो जाएंगे। फिर जिनके स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, यदि इन चीज़ों में भी यदि किसी की जॉब लग गई है तो वो पूरे स्वयं या परिवार के कोई भी सदस्य की यदि जॉब लग गई है तो वो भी इसमें अपात्र हो जाएंगे। अब हम योजना के लाभ पर आ जाते हैं। योजना का लाभ आपको पता ही है कि प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1250 रुपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक DBT इनेबल्ड बैंक खाते में किए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि आवेदिका का जो है, जो भी महिला है लाडली बहना
जो भी हैं उन्हें बैंक में जाकर आधार अपडेट कराना है, आधार के साथ ही डीबीटी का इनेबल्ड का भी जो है फॉर्म भरना है, तो दोनों चीज़ होना चाहिए, आधार लिंक भी होना चाहिए और डीबीटी इनेबल्ड भी होना चाहिए। ये यदि नहीं है तो पैसा नहीं जाएगा। तो प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1250 रुपये प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड खाते में किया जाएगा। अब एक चीज़ और महत्वपूर्ण देख लीजिए, किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रति माह राशि रुपये 1250 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रुपये 1250 तक राशि की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, तो 60 वर्ष से कम आयु की महिला को कौन सी पेंशन योजना मिल सकती है या मिलती है, तो इसमें सबसे पहले है विधवा पेंशन। ठीक है, कल्याणी पेंशन जिसको बोलते हैं, वो 60 वर्ष से कम में भी मिलती है जिसमें बीपीएल कार्ड की ज़रूरत भी नहीं होती। और एक होती है दिव्यांग पेंशन। ये दो पेंशन ऐसी हैं जो कि 60 वर्ष से कम आयु भी है तो भी जैसे महिला को मिलेगी। कल्याणी पेंशन महिला को मिलेगी 60 वर्ष से कम है तो भी और बीपीएल कार्ड नहीं है तो भी। ठीक है, तो किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मान लीजिए 600 रुपये भी मिल रही है तो प्रतिमाह राशि रुपये 1250 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही है तो उस महिला को रुपये 1250 तक राशि की पूर्ति की जाएगी। मतलब 600 में 650 रुपये और जोड़ देंगे, 600 रुपये तो मिली रही है पेंशन योजना के अंतर्गत, तो 600 में 650 और जोड़ देंगे तो टोटल मिलेंगे 1250 रुपये ही। ठीक है, पेंशन के 600 और 650 इसके मतलब टोटल 1200। तो दोस्तों हमने सब कंडीशन देखी, पात्रता देखी, अपात्रता देखी, योजना के लाभ देखे, सभी चीज़ें देखी। अब इनके अंतर्गत ही जो है 1250 रुपये की राशि पात्र जो लाडली बहना में पात्र महिलाएं उनको प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है, और जो इस योजना से इस योजना के जो कैलेंडर वर्ष में यदि 60 वर्ष की आयु से अधिक हो गए हैं तो उन्हें अब पात्रता नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसे कई सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिससे आपको बिल्कुल पता रहे कि क्या क्यों हमारी राशि आना बंद हुई है। ठीक है, क्या क्या कारण है, हमने सारे कारण देख लिए यहाँ पर, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और भी दोस्तों जो अपडेट आता है तो मैं आपको उससे अवगत कराते रहूँगा। इन सब के लिए आप मेरे साथ बने जो रही, आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।